बड़ी प्रसन्न है कि हाँ ठाकुर जी से मिलने का सुअवसर प्राप्त हुआ, लेकिन कई माताएं ऐसे बैठी हैं जैसे कि अभी अभी दून हॉस्पिटल से ग्लूकोज की बोतल चढ़ा के आई हो। अरे भगवान के पास बैठे हो, यहाँ नहीं मुस्कुराओगे तो कहाँ मुस्कुराओगे, यहाँ मस्ती नहीं करोगे तो कहाँ करोगे। ये तो मस्ती का घर है, आनंद का घर है, इसलिए दोनों हाथों को ऊपर उठाकर ताली की सेवा करते हुए और झूमते हुए श्राद्ध है।
जब याद तुम्हारी आती है मैं तेरे दर पर आता अपने सुख दुख को हे ठाकुर मैं रो रो तुम्हें सुनाता हूँ। वृंदावन वाके महिलाल श्रादे बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आज हमारा बड़ा ही सौभाग्य है, बड़ा रोचक कथा चल रहा है और हम बहुत कुछ सीख रहे हैं, आनंद ले रहे हैं। इसी बीच में श्री चंद्रमोहन बहुगुणा जी, सेवानिवृत्त मुख्य प्रशासनिक अधिकारी जी, जो हमारे मध्य उपस्थित हैं, उनको मैं मंच में बुलाना चाहूँगा महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। तो आप आएँ और महाराज जी से आशीर्वाद प्राप्त करें। श्री चंद्रमोहन बहुगुणा जी, तालियों के साथ अभिनंदन। अब इसी के साथ मैं आज जो विश्व पर्यावरण दिवस है, उस महान पर्व में श्री शुक्ला परिवार को मैं आमंत्रित करना चाहूँगा महाराज जी को रुद्राक्ष का पेड़ भेंट कर यह विश्व पर्यावरण दिवस को एक ऊंचे स्तर पर लेके जाने के संदेश दें। तो हमारे गुरुजी शुक्ला गुरुजी प्रमोद कुमार शुक्ला जी, आप आएँ सब परिवार और महाराज जी को रुद्राक्ष का पेड़ भेंट करें। और जैसे शिक्षक के समय में बच्चों को आपने शिक्षा देकर बड़े ही उच्च उच्च स्थानों पर आपने पहुंचा है, उसी प्रकार से यह वृक्ष का रोपण करके, वृक्ष दान करके आप लोगों को संदेश दें। तो उससे लोगों को संदेश दे के वृक्ष का रोपण करना चाहिए। जैसे महाराज जी ने बताया था, अगर एक वृक्ष अगर हमें ध्वंस करना हो तो उससे पहले 10 वृक्ष लगा के कम 5 से 6 वर्ष उसका पालन करें, उसके बाद ही। अतः वृक्ष की बहुत बड़ी महिमा है। तो ऐसे वृक्ष दान देकर और वृक्ष लगाकर पर्यावरण में, किसी के जन्मदिन हो सकता है, किसी के मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, ऐसे समय वृक्ष लगाकर पर्यावरण को और विशाल बना सकते हैं। बोलिए श्रीमद् भागवत महापुराण की। आइए कथा की ओर प्रवेश करें। भगवान कृष्ण आने वाले, तो आप बिल्कुल शांति बनाकर रखें, बहुत जल्दी भगवान आने वाले। पूज्य महाराज श्री, पुनः एक बार आप सभी को विश्व पर्यावरण दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज सभी इस पवित्र स्थान से एक संकल्प लें कि हम इस भागवत के पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हम एक एक वृक्ष जरूर लगाएंगे। और जिसके पास स्थान नहीं है लगाने के लिए, मन तो है कि लगाएं, अच्छे अवसर पर हमेशा एक वृक्ष जरूर लगाना चाहिए। अपने बच्चों के जन्मदिन पर एक वृक्ष उनके हाथों से अवश्य लगाएं। स्कंद पुराण में लिखा है, 10 पुत्र समा कन्या, 10 पेटों के बराबर एक कन्या कही गई है, और 10 कन्या समो द्रुमः, 10 कन्या के समान एक वृक्ष कहा गया है। तो जरा आप सोच सकते हैं कि कोटि कन्या महादानम, एक कन्या के कन्यादान पर महादान का लाभ मिलता है, एक कन्यादान करने पर बहुत बड़ा पुण्य मिलता है। तो 10 कन्या के बराबर एक वृक्ष कहा गया है। तो यदि आप एक वृक्ष को लगाते हैं और उसको पोषित करने का संकल्प लेते हैं तो आपको कितना बड़ा पुण्य प्राप्त होगा। और मेरा Thank you.
बहुत शीघ्र ही प्रभु आने वाले हैं। 10 मिनट का समय और। गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन वासी सांवरे। तोर बिन रयो नहीं जाए, तोरे बिन रयो न जाए रे, गोवर्धन वासी सांवरे, गोवर्धन आप सोच रहे होंगे कि मैं क्या ढूंढ रहा हूं। इस पर्यावरण दिवस पर मैं आपको बहुत सुंदर एक संदेश देना चाहता था, क्योंकि इससे सुंदर मंच कोई दूसरा नहीं हो सकता। हमारे ऋषियों ने हर चीज की परंपरा को धर्म से क्यों जोड़ा? क्योंकि जब कुछ भी चीज धर्म से जुड़ती है तो व्यक्ति एकदम से उसको फॉलो करता है। आज नंबर पाने के लिए तो आज का विद्यार्थी ये रिसर्च करता है कि किस पौधे में क्या लाभ है, सिर्फ नंबर पाने के लिए। एग्जाम में उसका विश्लेषण करके अच्छे नंबर पाए जा सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि हम उन वृक्षों के प्रति श्रद्धा को ऐसा पैदा कर दें कि ऐसी व्यवस्था बन जाए कि हर कोई व्यक्ति पेड़ों के प्रति श्रद्धा रखे। इसलिए मैंने एक पंक्ति भी बनाई थी कि वृक्षों में भी देवत्व देखते हम कितने भोले सच्चे थे, अरे आज के पढ़े लिखों हम गवार ही अच्छे थे, अरे आज के पढ़े लिखों हम गवार ही अच्छे थे। बिना टाई के भी हमारी बुद्धि में ज्ञान के गुच्छे थे, बिना टाई के भी हमारी बुद्धि में ज्ञान के गुच्छे थे, अरे आज के पढ़े लिखों हम गवार ही अच्छे थे, हम गवार ही अच्छे थे। सच कहूँ तो आज अपने घर की फंक्शन पार्टी करके अपने घर का सारा डिस्पोजल नदी में उड़ेलने वाले पढ़े लिखों से अच्छे हम गंवार थे, जो नदियों में जाकर उनके ऊपर फूल चढ़ाते थे, माला चढ़ाते थे, नदी को अपनी माँ मानते थे। पार्टी हमारे घर में होती है, लेकिन उसका नुकसान प्रकृति को हो रहा है। नदियाँ सूख गई हैं, नदियाँ बिलख रही हैं, उस प्लास्टिक के कारण नदियों के हमने रोम छिद्र बंद कर दिए हैं। समस्त रोम छिद्र बंद होने से ग्लोबल वार्मिंग जैसी हमको समस्याएं हो गई हैं। जो हमारा जीवन है, हम इतने मूर्ख हो गए कि हम अपने को पढ़े लिखे कहते हैं, अपना हित और अहित हम नहीं समझ पा रहे हैं। तो इसी में तो मैं आपसे निवेदन कर रहा था, कोई पीपल पूज रहा है, कोई आम पूज रहा है, कोई बड़ के पेड़ में धागा बांध रहा है, जिसको हम आजकल के पढ़े लिखे गंवार समझते हैं। तो मैं ये कहता हूँ, हमारे सनातन धर्म की खूबसूरती देखो माताओं, आप इसको समझो, आप इसको धूप बत्ती तक सीमित मत करो, इतने छोटे में मत समेट दीजिए आप सनातन धर्म को। एक सरकारी आदमी, एक वन विभाग का आदमी, वृक्षों का वन विभाग का अधिकारी क्या करता है? वृक्षों का संरक्षण करता है, लेकिन फ्री में करता है, पैसे लेकर करता है, 70-80 हज़ार रुपये लेता है। लेकिन मेरे ऋषियों ने क्या परंपरा बनाई है, आप भी तो वृक्षों का संरक्षण करती हैं, पीपल में जल डालती हैं, बड़ में जल डालती हैं। वो वन का अधिकारी उसको काम करने के पैसे लेता है, लेकिन देखिए ऋषि ऐसी व्यवस्था बनाकर गए हैं कि उसका प्रभाव अर्थव्यवस्था में भी पड़ता है, कि बिना अर्थ लगे हर व्यक्ति को वन से जोड़ दिया, हर व्यक्ति को नदियों से जोड़ दिया, हर व्यक्ति को वृक्षों से जोड़ दिया, हर व्यक्ति को पशुओं से जोड़ दिया। तो स्कंद पुराण का एक श्लोक है, मैं आपको बताना चाहूंगा स्कंद पुराण क्या कह रहा है वृक्षों के बारे में। स्कंद पुराण कहता है,
किसका संवाद है? यमराज अपने दूतों को बुला रहे हैं, आपातकालीन बैठक बुलाई यमराज ने। यमराज ने कहा कि आजकल तो तुम बहुत लोगों को पकड़ पकड़ कर नरक ला रहे हो, कहीं तुम ऐसा तो नहीं गलत आदमी को उठा के ले आते हो? तो यमराज के दूत ने कहा पहले संविधान पढ़ा तो दो हमको कि किसको लेकर आना है किसको नहीं। कई बार हो जाता है किताबें ढंग से नहीं पढ़ी हो तो खामियाजा पूरे राष्ट्र को भोगना पड़ता है। अगर ऊंचे पद में बैठा अधिकारी अगर स्वयं भ्रष्ट हो जाए तो उसका नुकसान पूरे राष्ट्र को होता है। तो संविधान पढ़ाने के लिए बैठे हैं जब यमराज, तो बहुत लंबा चौड़ा संविधान पढ़ाया और पढ़ाते पढ़ाते यमराज अपने दूतों से क्या कह रहे हैं। स्कंद पुराण कह रहा है कि अश्वत्थमेकं पिचुमंदमेकं, हे दूतों सुनो कान खोलकर, किसको मेरे पास लेकर नहीं आना। कि अश्वत्थमेकं पिचुमंदमेकं न्यग्रोधमेकं दशचिंचणीकं कपित्थ बिल्वा मलकत्रयं च पञ्चाम्रमुक्त्वा नरकन्नपतिम्।